लोकसभा चुनावों में समाचार पत्रों और न्यूज चैनलों पर चुनाव आयोग पैनी नजर रखेगा ताकि स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न हो सके। इसी के चलते हमीरपुर जिला उपायुक्त कार्यालय के अंदर मीडिया सेंटर एवं निगरानी समिति का गठन किया गया है, जिसमें दिन रात कर्मचारी निगरानी रख रहे हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी हमीरपुर डॉक्टर ऋचा वर्मा के अनुसार मीडिया सेंटर समाचार पत्रों के अलावा लोकल व रीजनल चैनलों पर पैनी नजर रखने का काम कर रही है ताकि पेड न्यूज और विज्ञापनों का ब्यौरा मिल सके। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त हमीरपुर डॉक्टर ऋचा वर्मा ने कहा कि लोकसभा निर्वाचन 2019 के अंतर्गत स्वतंत्र, निष्पक्ष व पारदर्शी निर्वाचन प्रक्रिया सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिला में मीडिया अनुप्रमाणन एवं निगरानी समिति का गठन कर लिया गया है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के तत्काल पश्चात समिति ने कार्य करना आरम्भ भी कर दिया है। जैसा कि आप सभी को विदित है, हर बार जैसा चुनावों में होता है, इन चुनावों के लिए भी जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी, जिसे एमसीएमसी कहते हैं, वो गठित की जा चुकी है। इस कमेटी का काम होता है जो भी प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कोई पेड न्यूज जैसी अगर कोई न्यूज आती है या फिर कोई एडवर्टाइजमेंट आती है, उन पर निगरानी रखना। तो ये गठित की जा चुकी है और ये अपना काम कर रही है। गौरतलब है कि किसी भी राजनीतिक दल द्वारा टीवी चैनलों और केबल नेटवर्क पर प्रसारण के लिए सभी विज्ञापन जिला स्तरीय मीडिया अनुप्रमाणन एवं निगरानी समिति द्वारा देखा, जांचा और प्रमाणित किया जा रहा है। इसके साथ ही विज्ञापनों को संबंधित राजनीतिक दल अथवा उम्मीदवार के चुनावी व्यय में शामिल किया जाएगा। इसके अतिरिक्त पेड न्यूज की भी निरंतर निगरानी की जा रही है।